तीन दिन तक एमपी से दिल्ली तक अपने अगले कदम को लेकर हलचल मचाने वाले कमलनाथ ने लगता है कि वो अगला कदम वापस खींच लिया और वो अब कांग्रेस में ही रहने वाले हैं, क्योंकि कमलनाथ खुद कांग्रेस की बैठक में न सिर्फ वर्चुअली जुड़े बल्कि लोकसभा चुनाव और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अपना मत भी रखा। मान गए कमलनाथ, नहीं छोड़ेंगे हाथ का साथ। कांग्रेस में सब चंगा सी। भोपाल से सामने आई तस्वीरें देखकर तो कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि कमलनाथ कमल का हाथ नहीं थामेंगे बल्कि हाथ के साथ ही रहेंगे। तीन दिन तक छिंदवाड़ा से दिल्ली तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे का मंगलवार को तब अंत हो गया जब कमलनाथ कांग्रेस की बैठक में न सिर्फ जुड़े बल्कि उन्हें संबोधित भी किया। दरअसल कांग्रेस प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह सोमवार को भोपाल पहुंचे, जिसके बाद से ही वो एक्टिव मोड में नजर आए। मंगलवार दोपहर उन्होंने कांग्रेस विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई, जिसमें न सिर्फ कमलनाथ समर्थक विधायक दिखे बल्कि खुद कमलनाथ भी इस चर्चा का हिस्सा बने। ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो अफवाहें हैं ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई गई है और उसको तूल दे दिया मीडिया ने, तो इस तरह की बात नहीं है। कमलनाथ जी हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं। लोकसभा चुनाव और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर ये बैठक की गई, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता नजर आए। कुछ भोपाल पार्टी दफ्तर पर पहुंचे तो कुछ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया, लेकिन छिंदवाड़ा के विधायक इस बैठक से नदारद रहे। जबकि इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ के अगले लोकसभा चुनाव लड़ने पर मुहर लगाते हुए कहा है कि वो पार्टी के मजबूत उम्मीदवार हैं। यही मुझे बताया गया, हमारे बहुत ही सांसद महोदय बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं वहाँ से और जरूर चुनाव लड़ेंगे। कमलनाथ के बैठक में शामिल होने और प्रदेश प्रभारी के ऐलान के बाद फिलहाल ऐसा लगता है कि कमलनाथ के कहीं और जाने की खबरों पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है, लेकिन ये राजनीति है, यहाँ कब रातों रात बाजी पलट जाए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक बार कड़वाहट आ जाए तो फिर कितना भी मीठा डाल ले कड़वाहट बनी रहती है। फिर भी ये खबर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि राहुल गांधी की आगामी एमपी यात्रा के लिए भी बड़ी राहत की बात है। टीम न्यूज़ स्टेट।